नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जहां एक ओर सीहोर जिले के एसपी सोशल मीडिया पर लोगों की शिकायत सुनने का नवाचार कर रहे हैं, वही दूसरी ओर अहमदपुर थाने के पुलिसकर्मी फरियाद लेकर पहुंचने वाले पीड़ितों से बदसलूकी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, पीड़ितों को डरा धमका कर मारपीट कर रहे हैं। कुछ इस तरह का मामला अहमदपुर थाने में देखने को मिला, जब एक पीड़ित परिवार शिकायत लेकर थाने पहुंचा। दरअसल पूरा मामला यह है कि अहमदपुर के निवासी पीड़ित महिला ने बताया कि हमारा विवाद हो गया था, जिसको लेकर हम थाने पहुंचे और पुलिसकर्मी से रिपोर्ट लिखने की बात कही, तो वे हमारी रिपोर्ट ना लिखते हुए दूसरे पक्ष की रिपोर्ट लिखने लगे। वही महिला ने बताया कि हमने रिपोर्ट लिखने को कहा तो हमको चिल्लाकर मारने के लिए लपके। वही जब इस मामले में थाना प्रभारी से संज्ञान लिया गया तो उन्होंने कहा कि मेरे संज्ञान में मामला आया है, अगर पुलिसकर्मी द्वारा फरियादी के साथ अभद्रता की गई है तो इसकी जांच कर वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराया जाएगा और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सीहोर से खालिद खान की रिपोर्ट। क्या हुआ है ये थाने में? महल्ले में लड़ाई हो गई थी, थोड़ी सी ऐसे विभेद हो गया था। हम रिपोर्ट लिखवाने गए, तिवारी जी उठ के भी खड़े नहीं हुए, और जो सामने वाला गया रिपोर्ट लिखवाने वो बदतमीजी करने लगा। तिवारी जी ने उससे किया चलो रिपोर्ट लिखवा। और ये वीडियो में जो पुलिसकर्मी आप आ रहे हैं दिख रहे हैं, ये क्या है? तिवारी जी ने हमें लात उठा के मारी, दो लाते, और हमारे साइल से झूम गए। तो आप क्या चाहते हैं इस पुलिसकर्मी पुलिस वाले पे कार्रवाई हो? अच्छा, इसकी शिकायत दर्ज की है आपने कहीं? करी। कहाँ करी है? सीएम हाउस में। सीएम हाउस में कर दी। तो मतलब आपका कहना यह है कि पुलिसकर्मी पे कार्रवाई होना चाहिए? कार्रवाई होना चाहिए। आप शासन प्रशासन से कार्रवाई की मांग चाहती हैं? मांग चाहते हैं। क्या नाम है? मोहम्मद साहिद। क्या हुआ है ये आज पूरा मामला क्या है? एक्चुअली मैं आज थाने में अपने पड़ोस में लड़ाई के कारण मैं रिपोर्ट लिखवाने गया। रिपोर्ट लिखवाने गया तो उसके उपरांत उस जो प्रधान आरक्षक 105 देवेंद्र तिवारी से मैंने रिपोर्ट लिखने का बोला तो उनने मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी। अन्यथा जो विवादित पक्ष जो दूसरा आया था तो उसको उठा के लेके जाने लगा कि चलो तुम्हारी रिपोर्ट लिखते हैं। तो मैंने कहा सर मेरी रिपोर्ट क्यों नहीं लिख रहा? तो मैंने उठा के वीडियो बनाया, तो वीडियो बनाने के बाद कहा नहीं वीडियो नहीं बनाओगे मोबाइल, और वो मेरे पर लात मारने के लिए टिटका, मोबाइल की झूमा झटकी हुई, मम्मी को भी मारने लगा और भी लोग साथ थे, बचा बची हुई, लेकिन वो नहीं माना किसी की। आपने इसकी शिकायत दर्ज की है कहीं? मैंने इसकी शिकायत की है, मैंने 181 पे भी इसकी शिकायत की है, मैंने और भी शिकायत की है, अपने विधायक के पास भी शिकायत की थी, मैंने कहा कोई मेरी सुन नहीं रहा है, मैं एसपी ऑफिस जा रहा हूँ। तो लेकिन मैंने शिकायत करके और मेरे आप क्या चाहते हैं पुलिसकर्मी के? मैं कुल मिला के कार्रवाई चाहता हूँ, मेरी मम्मी की बेइज्जती हुई है और मैं कुल मिला के उस पर पूरी पूरी तरीके से कार्रवाई चाहता हूँ। बिल्कुल ऐसे व्यक्ति की कोई जरूरत ही नहीं है पुलिस थाने के अंदर, ऐसे व्यक्ति की बिल्कुल भी पुलिस थाने के अंदर जरूरत नहीं है जो महिलाओं का अपमान करे और किसी की भी नहीं माने। एक ये वीडियो वायरल हो रहा है अहमदपुर थाने में, एक फरियादी है साहिल मंसूरी, प्रधान आरक्षक 105 देवेंद्र तिवारी जी पे वो आरोप लगा रहे हैं कि उनकी मम्मी को उन्होंने लात मारी है। क्या है ये पूरा मामला सर? मैं अभी अपराध विवेचना में बाहर था, आपका वीडियो अभी मैंने विजुअली देखा नहीं है, किंतु अगर मेरे किसी कर्मचारी ने किसी भी फरियादी या किसी से अगर मिसबिहेव किया है तो उसकी हम जानकारी करेंगे, और अगर गलत पाया जाता है तो वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में मुझसे दिलाई जाएगी और उसके खिलाफ में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बस अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।